नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं 16 खबर 16 रिपोर्टर। इन खबरों पर भी नजर डालेंगे, उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में एक पीजी में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जहां पर दो छात्राओं की मौत की जानकारी मिल रही है और अभी फिलहाल आशंका जताई जा रही है, चूंकि अभी आधिकारिक पुष्टि इस पूरे मामले में नहीं हुई है कि कितनी छात्राओं की मौत इसमें हुई है और कितनी छात्राओं को चोट इसमें आई है। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं आग पर काबू पाने के लिए और आग पर काबू पाने की कोशिश में फिलहाल दमकल विभाग जुटा हुआ है और इस पूरे मामले पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि ये आग लगने का मामला सामने आया सेक्टर 32 में एक पीजी में, जहां पर कुछ छात्राएं रहकर पढ़ाई करती हैं और जानकारी मिल रही है कि दो छात्राओं की मौत हो चुकी है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सेक्टर 32 के एक पीजी में आग लगने का मामला सामने आया, कुछ तस्वीर अब सामने आई है, उस पर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि पीजी में दमकल विभाग के कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और कुछ अन्य वाहन भी वहां भेजे जा रहे हैं दमकल विभाग की तरफ से, ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। आग किस वजह से लगी अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, इस पर भी लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। और जो मृत छात्राएं हैं उनकी उम्र 17 और 22 वर्ष क्रमशः बताई जा रही है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर जो लोग हैं उनकी तरफ से ये जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के एक पीजी में आग लगने के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर इस वक्त फोकस है और जल्द से जल्द आग बुझाई जाए इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिश में दमकल की चार छोटी गाड़ियां लगी हुई हैं, रिहायशी इलाका है, ऐसे में सकरी गलियां होने की वजह से जो दमकल के बड़े वाहन हैं वो जा पाना वहां पर कुछ असंभव सा था, तो ऐसे में छोटी गाड़ियों को वहां भेजा गया आग बुझाने के लिए। और एक दुखद घटना घटित हुई चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में, जहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है और जल्द से जल्द आग बुझाई जा सके ये प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आग किस वजह से लगी। एक प्राइवेट पीजी जहां पर कुछ छात्राएं रहकर स्टडी करती हैं, पढ़ाई करना मुख्यतः यहां पर छात्राएं ही रह रही थी, अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार। बज्म लगातार हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये घटना किस तरह से घटित हुई और बस अभी तक जो अपडेट मिल पा रहे हैं वो क्या कुछ हैं। जी बज्म जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ समय तक यही के हवाले से जो है वो तीन लड़कियों की जो है वो मौत हुई है ये कहा जा रहा था, फिलहाल यहाँ पर जो है पुष्टि भी कर दी गई है। मैम तीन लड़कियां झुलसने से उनकी मौत हुई है क्या? प्लीज आप जी बिल्कुल, तो साथ ही आपको अंदर भी यहाँ पे तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि काफी बड़े तरीके से जो है वो यहाँ पर आग लगी है और पहली मंजिल पर जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर आग लगी है। हम देख सकते हैं नीचे तक जो है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो आग का जो है गुबार वो देख सकते हैं और साथ ही मलबा देख सकते हैं किस तरीके से है। ये एक बच्ची जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रही थी उसकी चप्पल तक जो है वो नीचे आकर गिर चुकी है और ऊपर यहाँ पर जो है यहाँ पर असल धमाका जो है वो यहाँ पर हुआ, पानी ही पानी है क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो आग लगी थी, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है पूरे घर को जो है वो राख में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर देख किस तरीके से जो कमरा है जो अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर रह रही थी वो कमरा आप देख सकते हैं किस तरीके से जला है। और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर तीन स्टूडेंट्स जो है वो बता जा रही थी कि यहाँ पर रह रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर विभाग प्रशासन जो है वो सारे पहुंच चुके हैं, आग को बुझा लिया गया है और
यहाँ पर किस तरीके से क्या कारण रहा आगे जो है वो लगी है वो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखा दें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर ज़रूर दिखाई जाए, क्योंकि यही जो बैल्कनी है बताया जा रहा है कि यहाँ से जो तीसरी लड़की थी उसने अपनी जान बचाने के लिए जो है वो यहाँ से छलांग लगाई थी, जिसके बाद वो भी ज़ख्मी हो गई, बुरे हालात में वो भी ज़ख्मी हो गई। और यही बताया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि तीन जो लड़कियाँ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो है वो मौत हो गई है। एक 17 साल की बताई जा रही थी, एक 22 साल। फिलहाल ये आपके सामने तस्वीरें हैं कि किस तरीके से। बिल्कुल, और चूंकि लगातार बज़्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिखा रहे हैं उस वारदात को, जब वारदात हुई उसके बाद ये पूरा जो प्रकरण है, दरअसल आग लगने का, जहां पर आग किस वजह से लगी अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। मॉडर्न है, उसने उनको बचाने की कोशिश करी भी, उड़ जाओ तो वो उठी नहीं, वो तो जब तक उसने देखा मेरा भी सांस फूल रहा है तो वो भी बाहर निकला ही वार्डन, और तीनों बच्चे अंदर रह गई। और लास्ट में जो बच्ची निकाली वो तो बेड के नीचे से निकाली है, उसने अपने सेफ की। आपको ये भी बताया जा रहा है कि बालकनी से एक लड़की ने छलांग भी मारी थी, पीछे से मारी, बालकनी से छलांग मारी थी, लेकिन वो सेफ है। उसके बाद थोड़े से एल्बो में चोट लगी है। बच्चियां जो है यहाँ पर रह रही थी, वैसे 34 बच्चे बता रहे हैं जी, 34 बच्चे इस कम इस घर में, 34 बच्चे बता रहे हैं जो आज प्रेजेंट थे, 25 बता रहे हैं आज, तो वो दोनों बिल्डिंग्स में, दोनों मतलब दोनों फ्लोर पे, हाँ एक ही फ्लोर पे, फ्लोर में, क्योंकि आग लगी थी पहले इस फ्लोर से, आग शुरू, इस फ्लोर से आग शुरू थी लास्ट में। यहाँ पर कितनी जो लड़कियाँ थी उस टाइम, यहाँ पे आज 5 लड़कियाँ थी, वार्डन को मिला के 5 थी। क्या क्या कहा जाए, तो आप सुन रहे थे वहां पर मौके पर जो अधिकारी पहुंचे हैं उनकी भी रिएक्शन हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार और बाकी एक ने छलांग मार दी थी, एक लड़की ने जो है वो छलांग मार दी थी, और साथ ही अभी तक जो है 32 के अस्पताल में भी जो लेकर गए हैं यहीं पास में ही है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से यहां पर जो है अधिकारी वो पहुंचे, उन्होंने बताया है, ये साफ कर दिया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग लगी थी, और पूरे घर में करीब 34 जो है लड़कियां वो रहती थी, और फिलहाल जब ये आग लगी तो 5 लड़कियां जो है वो उस समय कुछ ने अपनी जान बचा ली, लेकिन कुछ का ये बताया जा रहा है कि बुरी तरह से झुलस गई थी, जिनमें बिल्कुल। और यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरें जो अभी आप दिखा रहे थे हमारे संवाददाता, बज्म बेहद भयावह वो मंजर, ठीक है या नहीं वो भी अभी तक पुष्टि। और पीजी की आग पर तो काबू पा लिया गया है, मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं और जांच पड़ताल में वे जुटे हुए हैं, और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी, जहां आग की लपटों में 3 जिंदगियां झुलस गई। और सेक्टर 32 के एक पीजी में जहां पर करीब 34 लड़कियां रह रही थीं और उस वक्त 5 लोग ही वहां पर मौजूद थे, और ऐसे में आग लगी तो वहां से जब निकलने की कोशिश की गई तो 3 लड़कियां वहां से नहीं निकल पाई, जिसमें 2 की झुलसकर मौत हो गई, जबकि जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि एक लड़की ने पीजी के बैक साइड के एरिया में जो बालकनी है वहां से छलांग लगाकर अपने आप को बचाने का प्रयास किया, कुछ चोट उसको भी आई है बताया जा रहा है। फिलहाल उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया है और अस्पताल में इलाज उसे दिया जा रहा है। फिलहाल ये एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई, एक बड़ा दुखद मामला, जहां पर ये 2 जिंदगियां आग में झुलस गईं, 2 छात्राएं, एक 17 वर्ष की बताई जा रही है और एक 22 वर्ष जिसकी उम्र बताई जा रही है, चंडीगढ़ के सेक्टर 32 का ये पीजी जहां पर रहकर छात्राएं पढ़ाई करती थीं, और करीब 34 छात्राएं एक बार में यहां पर रहकर पढ़ाई करने का काम करती थीं, और पढ़ाई करने के अलावा यहां पर क्या और भी कोई रहता है वहां पर, इस बारे में भी लगातार हम अपडेट लेने के लिए
अपने संवाददाता बज्म के पास चलेंगे। बज्म, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? शॉर्ट सर्किट आप बता रहे हैं कि आग लगने का कारण है, और अभी क्या है स्थिति फिलहाल? स्थिति फिलहाल बिल्कुल आपको बता दें, क्योंकि आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है, लेकिन जो लड़कियां बीच में और भी झुलसी हैं उनको जो है, क्योंकि पास में ही जो सेक्टर 32 का अस्पताल है वहां पर लेकर गए हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि एक लड़की जिसने अपनी जान बचाने की कोशिश की है वो अपनी जान नहीं बचा पाई। आपको हम वो बैल्कनी का भी रुख करेंगे जहां से उन्होंने जो है वो छलांग लगाने की कोशिश की थी, तो वो उस तरफ जो है वो इस तरफ को नीचे जो है वो बैल्कनी यहां पर है जहां पर लड़की ने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन जो है जिंदगी और मौत की लड़ाई में जो है वो हार बैठी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से, यहाँ पर आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आग लगी, और ये जो है वो एक तरीके से बाथरूम एरिया है, यहाँ पर किस तरीके से झुलस गया। लेकिन साथ ही आपको ये बता दें, क्योंकि इस जो पहली फ्लोर पे पहली मंजिल पर करीब 5 लड़कियां मौजूद थी, ये भी साफ कर दिया गया है कि करीब 34 लड़कियां इस पूरी बिल्डिंग में रह रही थी, 34 लड़कियां पूरी बिल्डिंग में। जब ये आग शुरू हुई, शॉर्ट सर्किट लगा, तो उस समय इस फ्लोर पर 5 लड़कियां मौजूद थी, जो एक से दो लड़कियां जो ये बताया जा रहा है कि वो उस समय सो रही थी, उनको नहीं पता था, लेकिन जब उनको बताया गया कि आग लगी है उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आग के इस गुबार में जो है वो फंस गई, जिसके बाद जो है उनकी जो है जान चली गई, और साथ ही एक लड़की ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। और यहीं से जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बैल्कनी है, यहाँ पर उसने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो छलांग तो लगा ली, लेकिन वो जो है जिंदगी से जो है वो हार गई, और इसके बाद जो है वो तीसरी लड़की की जो है वो मौत हो गई है। हालांकि तीनों लड़कियों को जो ये बताया जा रहा है कि सेक्टर 32 जो अस्पताल जो है वो पास में ही है, वहीं पर ले जाया गया है, वहीं पर जो है उन लड़कियों की पुष्टि होगी और पता चलेगा कि कौन सी लड़कियां जो है फिलहाल उनकी जो मौत हुई, और साथ ही कौन कौन लड़की जो है यहाँ पर पीजी में रह रही थी। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स, जो लड़कियां काम कर रही थी आसपास, कहीं जॉब कर रही थी, वो भी जो है यहाँ पर रहती थी। और आप फिलहाल आप स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं कि हर तरीके से जो है वो ऑफिशियली एक तरीके से बयान जो है वो सामने आने शुरू हो गए हैं। आग पर काबू पा लिया गया है, और ये भी बता दिया गया है कि शॉर्ट सर्किट जो है वो वजह बनी इस बड़ी आग की, जिसकी वजह से जो है 3 युवतियों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें कि जो दमकल विभाग के लोग हैं या पुलिस प्रशासन है या फिर जो चंडीगढ़ का प्रशासन है, वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है। और अब कहीं ना कहीं क्या कारण रहा ये बता दिया गया है, कौन युवतियां थी और साथ के साथ क्या कुछ जो है वो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस थे उनको नहीं जो है इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते जो है ये भयानक हादसा जो है वो हुआ है। फिलहाल अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर किस तरीके से आसपास के जो लोग हैं उन्होंने जब मदद की, वो भी यहाँ पर फिलहाल पहुंचे हुए हैं। और अभी भी आप नीचे तक देख सकते हैं कि किस तरीके तक पहले ये आग पहली मंजिल से उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर पहुंची, और उसके बाद जो है जब लोग जो लड़कियां थी उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की है, तब कहीं ना कहीं ये लोग जो है आसपास के वो इकट्ठा हुए, उसके बाद जो है दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ पर पहुंची। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सड़क है वो छोटी है, तो अगर ज्यादा बड़ी गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती तो एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी जो है वो यहाँ ना पहुंच पाती, जिसके चलते जो है पहले छोटी गाड़ियां बुलाई गई, और उसके बाद जब आग पर थोड़ा काबू पा लिया गया उसके बाद जो है वो बड़ी गाड़ी मंगवाई गई है, ताकि जो आसपास और भी जो आग कहीं लगी हुई है कुछ कमरों में, तो वहां पर जो है आग वो बुझाई जा सके। जी बिल्कुल, बस मौर चुकी आप जिस तरह से दिखा रहे हैं जगह, उसमें ये अंदाजा साफ लग रहा है कि इस बिल्डिंग से निकलने का जो रास्ता है, अभी तक जो तस्वीरें हमने देखी उसमें एक ही रास्ता नजर आ रहा है जिस रास्ते से आप छत पर चढ़कर गए हैं, तो इस लिहाज से भी कहा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई होगी, और उन लड़कियों को निकलने के लिए संभव है कि रास्ता ना मिला हो।
जी बिल्कुल, हम आपको फिर से दोबारा दिखा देते हैं क्योंकि यही वो रास्ता है जो ग्राउंड फ्लोर तक जाता है और आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि ये दूसरी मंजिल है, आपको दिखा दें आशीष, ये किस तरीके से झुलसा हुआ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब हमने एंटर किया था ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जब हम ऊपर आने लगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जोरदार धमाका हुआ होगा या फिर आग जिस तरीके से लगी है, तो कहीं ना कहीं आग ने ये सारे एरिया को भी जो है वो घेर लिया होगा, जिसके चलते वो लड़कियां जो है निकल नहीं पाई और साथ ही जो एक लड़की को है वो बैल्कनी से छलांग लगानी पड़ी। आपको यहाँ पे भी दिखा दें हम किस तरीके से सारी तरफ जो है वो आग जो है वो दिख रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है दीवारें काली हो गई हैं और साथ ही ये जो एक ही रास्ता है जहाँ से जो है कोई अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो आग लगाई गई, आग लगी गई। और साथ ही आपको बता दें क्योंकि एक ही रास्ता है जिसके चलते ये भी आशंका लगाई जा सकती है कि जब आग लगी होगी तो वो युवतियों ने जो है वो भागने की कोशिश की होगी, लेकिन आग जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो लगी है और एक जो युवती है उसके द्वारा छलांग लगाई गई वो यही साफ होता है। ये इसीलिए है क्योंकि एक युवती द्वारा छलांग लगाई गई, क्योंकि बिल्कुल फ्रिज से शॉर्ट सर्किट और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप ये तस्वीर अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या भयावह मंजर रहा होगा। और चूंकि दीवारें पूरी तरह से काली पड़ चुकी हैं और इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि पूरे घर में, पूरी बिल्डिंग में जो धुआं है वो भर चुका होगा। और हो सकता है कि जो उन छात्राओं की मौत हुई है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि झुलसने की वजह से उनकी मौत हुई या दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई, लेकिन जिस तरह की स्थिति यहां दिखाई दे रही है, बज्म हमारे संवाददाता तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाना सहज हो जाता है कि पूरे बिल्डिंग में धुआं भर चुका है, पूरी दीवारें आग की वजह से काली पड़ गई हैं। और तस्वीरें लगातार हमारे संवाददाता बज्म हमें दिखा रहे हैं इस वक्त। बज्म, अगर बात करें इस वक्त की स्थिति की, तो जब आग लगी उस वक्त क्या हुआ होगा, कितने लोग वहां पर मौजूद थे और अब इस वक्त उनकी क्या स्थिति है, कितने लोगों की जान बचाई जा सकी है और कितने लोग अभी तक आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं? देखिए, आधिकारिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि तीन जो युवतियां हैं उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन कितनों की जान बचाई जा सकी है इसके बारे में अभी तक फिलहाल बात नहीं हुई है। लेकिन हम आपको उस कमरे में जरूर दिखाएंगे क्योंकि अभी हमने एक अधिकारी से बात की है, उन्होंने खुद बताया है कि जो आग है वो फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो है वो लगी है और जिसके बाद ये सारा जो है वो आग बवंडर बनकर जो है पूरे घर पर फैल गई और तीन लड़कियां जो फिलहाल उस को नहीं बताया गया, उनको जो बाकी की दो लड़कियां थी उन्होंने जगाया और बताया कि आग लग चुकी है, आपको भागना होगा, लेकिन आग जिस वो बेड के नीचे जो है वो छुप गई, जिसके चलते वहां पर वो झुलस गई। और साथ ही आपको बता दें पिछला जो रास्ता है आपको यहां पे जरूर दिखाना चाहेंगे कि यहां से छलांग लगाने की जरूर कोशिश की जो है वो घबरा गई थी, ये बताया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर उसकी वजह से जो है मौत चली हो गई। और आपको ये भी जरूर दिखाएंगे यहाँ पर जो है वो किताबें काफी सारी मौजूद हैं, यहाँ पर हम अगर नाम भी दिखाएं आपको तो यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, रुचि शर्मा जो एक लड़की का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। आप किताबें देख सकते हैं किस तरीके से, यानी स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर रह रहे थे, स्टूडेंट्स जो है चाहे स्कूल के थे, और भी कई सारे नाम यहाँ पर और भी लिखे हुए हैं और किताबें कई सारी यहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मंजर यहाँ पर जो है वो हुआ है और किस तरीके से जो दर्दनाक हादसा यहाँ पर जो वो हुआ है और किस तरीके से हर कमरे बाय कमरे जो है वो बुरी तरह आग जो है वो लगती गई। और आप फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ये हाल हो गया कि जो यहाँ पंखा लगा था उसके जो पर से वो पर तक नहीं रहे, ऐसा धमाका जो है ऐसा यहाँ पर वो हुआ।
के बाद जो है पूरे घर में, क्योंकि पहले फर्स्ट फ्लोर पर, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर तक जो है वो आग फैलती गई, जिसके बाद जो है दो तीन लड़कियों को जो है वो अपनी जान गंवानी पड़ी है। जी बस किन क्षेत्रों से आकर लड़कियां यहां रह पा रही थी, जानकारी मिल पा रही है क्या? नहीं, फिलहाल जानकारी नहीं आई है, क्योंकि जी जी बिल्कुल बस मैम आपको सुन पा रहे थे अभी, और चूंकि नेटवर्क की कुछ समस्या हो सकती है जिसकी वजह से आपकी वॉइस बार बार ब्रेक हो रही है, और चूंकि इस वक्त आप उस घर के अंदर मौजूद हैं जहां पर सभी कुछ अस्त व्यस्त है, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहां पर आवाज बज्म की नहीं मिल पा रही है। और एक बार फिर चलते हैं बज्म के पास। बज्म कौन लोग हैं अभी वहां पर और क्या जांच की जा रही है, कैसे पता चलेगा कि आग कैसे लगी, और आगे इस पूरे मामले में जो और विस्तार पूर्वक जानकारी है वो छात्राएं कहां की थी, ये सब कुछ भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी अब क्या जांच क्या की जा रही है, फिलहाल क्या जांच की जा रही है, और मामला सामने आ गया, पता चल गया कि किस तरीके से जो है वो आग लगी है, लेकिन हुआ क्या था उस समय? बता रहे कि जो पीछे है फ्रिज से शॉर्ट सर्किट हुआ है, जैसे बताया गया था, क्योंकि उनकी मेड यहाँ पे थी उस टाइम, जो मेड थी यहाँ पे वो मेड ने बताया कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, और बच्चा थी, एक बच्ची ने छलांग मार दी रहा था, उसके बाद वो सो गए थे तीन लड़कियां, तो और वो एक ने अपनी जान बचाने के लिए बेड के नीचे घुस गई, जो सबसे बाद में निकाली गई, जो उसका पता नहीं चल रहा था, और दो जो निकाली गई हैं उनकी इंजरीज काफी हैं अभी। जी बिल्कुल, और संपर्क बीच बीच में बज्म से हमारा टूट जा रहा है, चूंकि इस वक्त जो स्थिति है, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या वहां पर मंजर रहा होगा, और जैसा कि बज्म दिखा रहे हैं पूरे घर में दीवारें जो है पूरी तरह से काली हो चुकी हैं आग की वजह से, और आशंका यह भी है कि उनका दम घुटने की वजह से जो छात्राएं हैं उनकी मौत हुई है या झुलसने की वजह से मौत हुई है, हालांकि ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और जब ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम बता रहे हैं कि भी चार से पांच बच्चे थे, मेड को मतलब वार्डन को मिला के, बिल्कुल बज्म। और चूंकि ये जो स्थिति आप दिखा रहे हैं बहुत ही भयावह ये मंजर है, और चूंकि कितने कमरे यहां पर थे और छात्राएं किस तरह से यहां पर उनका रुकने की व्यवस्था किस तरह से की गई थी, चूंकि 34 लोगों के रहने लायक ये जगह दिख नहीं रही जैसी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हो सकता है कि आग लगने की वजह से जो अस्त व्यस्त हो गया है माहौल इस वजह से ऐसा लग रहा है, या वाकई 34 लोगों के रहने लायक ये जगह है? देखिए फिलहाल जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि 30 से 34 जो हैं वो युवतियां यहाँ पर रहती थी। आपको दिखा देते हैं किस तरीके से, एक कमरा इसके बारे में बताया जा रहा है, दो कमरे जो है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, और दो कमरे यहाँ बताए जा रहे हैं, यानी 3 से 4 कमरे जो है वो एक फ्लोर पर जो है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से 1, 2, 3 यहाँ पर भी 3 जो है वो बेड दिखाए जा रहे हैं, यानी एक कमरे में 3 से 4 युवतियां रह रही थी। ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि इस छोटी सी जगह पर किस तरीके से इतने सारी जो युवतियां हैं, इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रह रहे थे, लेकिन एग्जिट का एक ही जो है वो जरिया था, बाहर निकलने का एक ही जरिया था, और ये भी कारण बताया जा रहा है क्योंकि एग्जिट का एक जरिया था जिसके चलते जो है वो युवतियां बाहर नहीं निकल पाई, जिसके चलते वो आग में झुलस गई। जी बिल्कुल बज्म, और चूंकि इस वक्त जो परिजन हैं उनके उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे उन्हें बताया जा रहा है या कैसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, और आगे क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल चल रही है इस बारे में?
जी आशीष दोबारा दोहराएंगे। मैं आपको शायद आवाज नहीं मिल पा रही है, बज्म के पास एक बार फिर चलेंगे। बज्म, आपको आवाज मिल पा रही है तो जानने की ये कोशिश कीजिए कि आखिर वो युवतियां कहाँ की रहने वाली थी और उनके परिवार को कैसे बताया जाएगा, कैसे उनसे संपर्क किया जाएगा, चूंकि बहुत दुखद ये घटना है। जी बिल्कुल, यही बताया जा रहा है कि जो युवतियां हैं उनको जो है सेक्टर 32 में लेकर ले जाया गया है और वहीं पर जो है वो पता चल पाएगा कि आखिरकार परिवार के जो सदस्य हैं वो कौन हैं और युवतियां कहां कहां से आई थी। और उम्र बताई गई है कि 11 और 21 साल की युवतियां, ये बताई जा रही हैं, लेकिन किस तरीके से कहां से आई थी, कहां पढ़ती थी या कहां काम करती थी, ये सब चीज़ें जो हैं वो फिलहाल कुछ ही समय में पता चलेंगे जब आधिकारिक पुष्टि होगी, जब जो मकान मालिक है वो सामने आएंगे और वो बताएंगे कि किन किन लोगों को जो है वो इस घर में रखा गया था। लेकिन आपको हम यहाँ पर दिखा दें कि ये कमरा जो है वो कहीं ना कहीं कम जला है, लेकिन ये कमरे से साफ पता चल रहा है कि 1, 2 और 3, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर 3 जो है वो यहाँ पर जो है बेड लगाए गए हैं, यानी एक कमरे में 3 जो है वो छात्राएं पढ़ती थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किताबें भी यहाँ पर जो है वो लिखी गई है, इकोनॉमिक्स की किताबें रखी गई है, यानी जो छात्रा थी वो या तो स्कूल में थी या कॉलेज में थी, वो भी साफ हो रहा है। लेकिन साथ के साथ और भी यहाँ पर जो है वो खाने पीने का सामान, खाने पीने की सामग्री, कपड़े और काफी कुछ सामान जो है यहाँ पर रखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि आग यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन आग जो बाकी के कमरे थे वहां पर जरूर पहुंची, जिसके चलते जो युवतियां थी वो वहां पर सो रही थी। जब उनको जगाने की कोशिश की गई, जब उन्होंने बाहर आने की कोशिश की, तब आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि वो बाहर नहीं आ पाई, जिसके मारे डर के मारे एक युवती जो है वो बेड के नीचे छुप गई और दूसरी युवती ने जो है वो छलांग लगाने की कोशिश की। अब ये सामने जो है वो आएगा कि कौन वो युवतियां हैं और क्या कुछ जो है वो मामला सामने आया, क्योंकि ये जरूर साफ हो गया है कि आग क्यों लगी है, लेकिन कौन युवतियां हैं, कहां से आती हैं, कहां से और किस तरीके से ये बताया जा रहा है, क्योंकि 30 से 34 जो लड़कियां हैं वो एक घर में रहती थी, तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वाकई में इस तरीके से इतने लोग जो हैं वो एक घर में रह सकते हैं। अगर पीजी भी बनाया गया है तो किस बिना पर जो है वो उसको पीजी बनाया गया है, और साथ ही मकान मालिक जो है उनका क्या वर्जन है, मकान मालिक का क्या कहना है, ये भी जरूर देखने वाली चीजें जो है वो होंगी। जी, मकान मालिक के बारे में क्या बस जानकारी मिल पा रही, क्या वे भी आसपास ही कहीं रहते हैं, कहां हैं इस वक्त, और ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या उन्होंने कोई सेफ्टी पर्पस से यहाँ पर स्टेप्स लिए थे या नहीं लिए थे, इस बारे में उनकी भी राय बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका बयान बहुत जरूरी है। फिलहाल हम जरूर नीचे जाने की भी कोशिश करेंगे और लोगों से पूछने की जो कोशिश करेंगे कि क्या जो आसपास के लोग हैं उनसे बात करेंगे और क्या देखेंगे कि क्या वाकई में, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मकान मालिक द्वारा जो है वो सेफ्टी के प्रोसीजर या स्टेप्स लेने की कोशिश की गई थी, अगर ये भी देखना होगा कि अगर की गई थी तो यहाँ पर इस पर फिलहाल जो है वो पुलिस पहुंची हुई है और यहाँ पर भी है वो चेकिंग कर रही है कि यहाँ पर जब युवती ने छलांग लगाई तो उस समय यहाँ पर क्या आग फैली हुई थी या नहीं थी। लेकिन जरूर यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि दमकल विभाग के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि आग जो बुझाई गई है, इनसे जानते हैं जरूर कि क्या वाकई में यहाँ पर जो वो हुआ था। ये भी पूछेगा कि किस वक्त ये घटना हुई, किस वक्त ये आग लगी, उन्हें जानकारी कब मिली और कितनों की कितनों को क्या है कुछ छोटे जो है वो वाहन लाए गए थे। हाँ जी, बिल्कुल छोटा मोटरसाइकिल भी आया जी, मोटरसाइकिल के साथ ही ये गाड़ी भी आई जी, मोटरसाइकिल आया, मोटरसाइकिल पीछे खड़ा है, ये गाड़ी भी नाल मौके पे आई।
तो कितनी आग फैली हुई थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पूरे ऊपर से पूरे ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर की पूरी आग लपटन च गिर चुकी थी। तो कितनी के अंदर युवतियां, ये कितनी थी उस समय, कुछ जानकारी इस बारे में? सानू ये जानकारी दी थी कि तीन लड़कियां है अंदर, पर उस टाइम जी अग जी बहुत ज्यादा सी, 15-20 मिनट में अग उन कंट्रोल करने बाद अभी अपने बी एस सैट वगैरह पा के अंदर गया। पर सर कारण की लगता है, क्योंकि एको ही रहा निकलन का, इस करके उल्टे अंदर फस गई। बिल्कुल एक ने छाल मारी जी, पिछले कुर्सी रख के उसने छाल मारी, उसकी बांह में फ्रैक्चर आ दसिया, जो दसिया जा रहा जी बांह में फ्रैक्चर आ गया। बाकी दो कुड़ियां जी अंदर सी, जो तीन लड़कियां निकलियां जी बाहर, जो तीन लड़कियां सी, एक तो बेड के नीचे दो घुस गई जी, और उनको बाहर निकालिया गया। उस टाइम मतलब बेहोशी की हालत भी सी, उनकी जान बचाई जा सकी कुछ ऐसा सामने आ रहा है? वो तो डॉक्टर साहब दस सकते हैं, यहीं हॉस्पिटल भेज दिए फिलहाल। अच्छा हॉस्पिटल भेज दिए? हाँ जी। तो ये भी जो है वो युवतियों को हॉस्पिटल भेज दिया गया था, लेकिन कुछ द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि युवतियों की जो है वो मौत हो चुकी है। ऑफिशियल वर्जन जो है अभी तक नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने ये भी जरूर पुष्टि कर दी है कि दो से तीन जो युवतियां अंदर थी उनकी जो है वो मौत हो गई है। लेकिन अभी तक ना यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो है वो कोई पहुंचा है, दमकल विभाग की गाड़ियां जरूर पहुंची है, पुलिस जरूर पहुंची है, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा जो है वो ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है कि कितने जो युवतियां अंदर थी, कितनों की जान बचाई गई है और कितनों की जो है वो मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल। और चुकी मेड का जिक्र किया गया था, मेड भी यहां पर थी और कुछ और लड़कियां थी, कुल मिला के 5 से 6 बस बता रहे थे, जिससे आप बात कर रहे थे वो ये बता रहे थे कि 5 से 6 यहां पर लोग मौजूद थे। किस वक्त ये घटना हुई, दिन का वो क्या समय रहा होगा जब शॉर्ट सर्किट हुआ और आग फैली, दमकल विभाग को कब तक सूचना मिल पाई, कितना समय लगा, क्या कुछ और जानकारी इस बारे में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हमने दमकल विभाग के जो अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि 4:15 उनको जो है वो फोन आया था, जिसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे, और जब वो यहाँ पर पहुंचे तो इस पूरी फ्लोर पर जो है, पूरे घर पर जो है बुरी तरीके से आग जो है वो लग चुकी थी। उस समय जो है वो छोटी जो गाड़ियां हैं वो जरूर मंगवाई गई थी, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया, जिसके बाद जो है वो बड़ी जो है फायर टेंडर मंगवाया गया, जिसके बाद जो है आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन उस समय ये भी बताया जा रहा है कि अंदर जो है वो तीन लड़कियां, जिसमें एक बताया जा रहा है कि जो है वो थी और बुरी तरह झुलस गई थी, जिसके बाद जो है वो बेहोशी की हालत में उसको जो है वो अस्पताल जो है लेकर जाया गया है। और साथ ही एक लड़की जिसने छलांग मारी थी उसकी जो है उस समय बाजू पर फ्रैक्चर आया था, साथ ही झुलस भी गई थी, जिसके बाद अब ये बताया नहीं गया है कि क्या जिस लड़की ने जो है वो छलांग मारी थी, क्या वो फिलहाल जिंदा है या क्या किस स्थिति में है, ये कई बड़े सवाल जो है वो खड़े कर रहा है, क्योंकि अभी तक पुष्टि ही नहीं की जा रही है पूरे तरीके से। कुछ जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि तीनों लड़कियों की मौत हो गई है, तो कुछ का ये कहना है कि उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं है, यानी अभी तक पूरे तरीके से ये बताया ही नहीं जा रहा है। ये जरूर बताया गया है कि आग किस तरीके से लगी, किस समय लगी और किस घटना जो है वो कितनी बड़ी थी, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन कौन लड़कियां अंदर उस समय मौजूद थी। और वाकई में अगर आगे की बात की जाए, जिस तरीके से कुछ का ये कहना है कि 30 से 34 लड़कियां जो है वो इस पूरे घर में जो है वो रहती थी, हालांकि 30 से 34 लड़कियां जो है वो हैं इसके अंदर रहती हैं या नहीं ये भी देखना होगा, लेकिन आप वहां पर जरूर देख सकते हैं टूलेट फॉर गर्ल्स भी लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर जो है वो पहले से ही जो है वो और भी वैकेंसी एक तरीके से बनाई गई थी, बस इस पे फोन नंबर लिखा हुआ है, अगर आपको समय मिले तो इस पर फोन मिलाकर देखिएगा क्या जवाब देते हैं वे। देख सकते हैं 33325। जी बस आसपास जो लोग खड़े हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए, उन्हें कब पता चला, क्या उन लोगों ने भी कोई प्रयास किया आग बुझाने का या लड़कियों को निकालने का? जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी आप पड़ोस में थे मैम यहाँ पर कि आप
अच्छा, तो मैम आग जब लगी थी कुछ पता चला था कि किस तरीके से आग लगी है या कुछ शोर शराबा हुआ था? वही धुआं देखा था हमने, तो धुआं ही देखा था। इट वॉज टू मच, मतलब हमारे मैं 10 घर दूर रहती हूँ पर वहाँ तक भी पूरा स्मोक था। तो वी वर थिंकिंग के हो क्या रहा है, वी वर सो कंसर्न बट हम कुछ कर नहीं सकते थे। आ रही थी फायर ब्रिगेड आई है तो नेचुरली हमें लग रहा था कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, बट अभी पता चल रहा है कि कैजुअलिटीज भी हुई हैं, तो दैट इज क्वाइट सीरियस, वेरी सीरियस। आप भी यहाँ पर थे उस समय कि आपको बाद में पता चला है? धुआं देखा था यहाँ पे और कुछ नहीं देखा।